सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियों के नंबर प्लेट पर यूपी 33 का लिखा होना हमें इस बात से परिचय कराता है कि ये गाड़ी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की है। दोस्तों, रायबरेली भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के लखनऊ डिवीजन का एक शहर है। यह लखनऊ से 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। रायबरेली उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। रायबरेली में केंद्र सरकार की प्रमुख उद्योगों की स्थापना की गई है, जिनमें आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन मुख्य हैं। 4609 वर्ग किलोमीटर में फैले रायबरेली जिले की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 34 लाख थी, जिसमें 87% हिंदू, 12% मुस्लिम एवं 6% में अन्य जातियां थीं। औसतन यहां प्रत्येक 1000 पुरुषों में 941 महिलाओं का जन्म होता है। 90% जनसंख्या गाँव में और 10% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। जनघनत्व के आधार पर प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 749 लोग रहते हैं। 2011 में 89% साक्षरता दर्ज की गई थी। रायबरेली मुख्य रूप से सई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सबसे पहले अब हम आपको मिलवाते हैं रायबरेली जिले की उन महान हस्तियों से जिनके नाम से लोग रायबरेली को जानते हैं। सबसे पहले नाम आता है राणा बेनी माधो सिंह जी का। उन्नाव के बैसवारा तालुक के राजा राणा बेनी माधो सिंह ने रायबरेली के एक बड़े हिस्से में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की मशाल जलाई थी। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले राजा राणा बेनी माधो रायबरेली जिले के महानायक बने। सन 1857 क्रांति के दौरान जनपद रायबरेली के बेनी माधो सिंह ने 18 महीने तक जिले को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया था। इंदिरा गांधी भारत की तीसरी व देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली रहा है। इनके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्य और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान किया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 को हुआ था। मुनव्वर राणा जी उर्दू भाषा के साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित एक कविता शाहदाबा के लिए उन्हें सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये एक कवि व शायर भी हैं। इनका जन्म रायबरेली में 26 नवंबर 1952 को हुआ था। लीला मिश्रा जी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। इनका जन्म जायस में 1 जनवरी 1908 को हुआ था। उन्होंने 5 दशकों तक 200 से अधिक हिंदी फिल्मों में एक चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया और चाची मौसी जैसे किरदार के लिए याद किया जाता है। इन्होंने 16 फिल्में दादी का किरदार अदा किया था। रायबरेली के बाहुबली विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह जी का जन्म 15 सितंबर 1959 को रायबरेली जिले में हुआ था। ये पहली बार 1993 में कांग्रेस पार्टी से रायबरेली सदर विधायक के रूप में चुने गए थे। रायबरेली में 5 बार लगातार रायबरेली से सदर विधायक रहे हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 6 दिसंबर 1985 को रायबरेली जिले में हुआ था, जिन्हें हम आरपी सिंह के नाम से भी जानते हैं। इनके साथ स्वप्निल सिंह जी भी एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका जन्म भी रायबरेली जिले में ही हुआ था। सहर्ष कुमार शुक्ला। सहर्ष कुमार शुक्ला जी भारतीय फिल्म जगत के अभिनेता हैं। इनका जन्म रायबरेली जिले में हुआ था और ये छिछोरे जैसी फिल्मों में भी काम किए हैं। मीनाक्षी दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। ये एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम व हिंदी फिल्मों में काम किया है। सुधा सिंह। सुधा सिंह जी एक धावक हैं और इनका जन्म भी रायबरेली जिले में ही हुआ था। इनके बाद हम बात करेंगे रायबरेली जिले की वर्तमान विधायिका माननीय आदित्य सिंह जी के बारे में। आदित्य सिंह जी का जन्म 15 नवंबर 1987 को हुआ था। ये एक राजनीतिज्ञ हैं और उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागी विधायक हैं। ये उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक हैं। इन्होंने 2017 का विधानसभा चुनाव में 90,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। दोस्तों, ये तो रही रायबरेली जिले की महान हस्तियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद अगर हम रायबरेली के इतिहास की बात करें तो 1857 में व्याप्त सैनिक विद्रोह का प्रभाव रायबरेली पर पड़ा। राणा बेनी माधो सिंह के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए विद्रोह ने स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह से अपंग बना दिया था। इसलिए लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर अपनी प्रशासनिक क्षमता को संपूर्ण करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को एक नए जनपद की आवश्यकता थी, जिसके लिए स्थानीय राजाओं को पराजित कर उन्हें मृत्यु की घाट उतारने को भयानक प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके बाद 1858 में रायबरेली को एक जिले के रूप में अस्तित्व दिया गया। दोस्तों, रायबरेली के मुंशीगंज क्षेत्र में ही बना हुआ है उत्तर प्रदेश का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अर्थात एम्स हॉस्पिटल। 1988 में स्थापित 1550 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला फिरोज गांधी थर्मल पावर प्लांट, जो कि रायबरेली के ऊंचाहार तहसील में स्थित है,
यहाँ कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाता है। झारखंड राज्य के उत्तरी पूरा खदानों से कच्चा कोयला ट्रेन के माध्यम से ऊंचाहार स्टेशन तक लाया जाता है। सारधा सहायक नहर से आने वाले पानी को गर्म करके निकलने वाले भाप से टरबाइनों को घुमाकर प्राप्त होने वाली बिजली को ग्रिड के माध्यम से उच्च वोल्टेज को दूसरे स्थानों तक भेजा जाता है। इसके बाद दोस्तों, रायबरेली जिले की लालगंज तहसील में स्थित है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जिसमें राजधानी, हमसफर, शताब्दी आदि एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए आधुनिक रेल डिब्बों के साथ ही पहियों का भी निर्माण किया जाता है। रायबरेली से यहाँ की दूरी 30 किलोमीटर है। रायबरेली अमेठी रोड पर जायस के निकटतम बना हुआ राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के निकटतम फुर्सतगंज कस्बे में बना हुआ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी। इसके बाद रायबरेली की इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना 1948 में की गई थी, जिसकी एक यूनिट का निर्माण रायबरेली के दूरभाष नगर में किया गया है। वर्तमान में यहां पर फाइबर ऑप्टिकल केबल और मोबाइल से जुड़े उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम रायबरेली जिले के शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो नाम आता है फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज का, जो कि रतापुर में बना हुआ है। इसके बाद नाम आता है फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज का, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसके अलावा रायबरेली जिले में कई और उच्च शैक्षणिक संस्थान है, जिनमें फैशन टेक्नोलॉजी, और अगर रायबरेली जिले के अच्छे स्कूलों की बात करें तो दयावती मोदी पब्लिक स्कूल, न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, रियान इंटरनेशनल स्कूल, SJS पब्लिक स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल, गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर इत्यादि नाम शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अब हम आपको लेके चल रहे हैं रायबरेली जंक्शन। रायबरेली जंक्शन लखनऊ चारबाग के उत्तरी जोन में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लखनऊ से रायबरेली रेलमार्ग के निर्माण की अनुमति ब्रिटिश प्रशासन द्वारा 1891 में दी गई थी। 18 अक्टूबर 1893 को इसे यात्रीवाहक ट्रेनों के लिए सक्रिय कर दिया गया था। समुद्र तल से 116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जंक्शन पर चार प्लेटफॉर्म हैं, जिन पर 89 रेलगाड़ियां विश्राम लेती हैं। आने जाने को मिलाकर 14 पैसेंजर, 15 सुपरफास्ट, 45 एक्सप्रेस, 2 गरीब रथ एवं 2 डेमो रेलगाड़ियां यात्रा को सुलभ बनाती हैं। पूरे जनपद में 4 जंक्शन हैं, रायबरेली, डलमऊ, दरियापुर, ऊंचाहार। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ रायबरेली ही क्यों बना, तो सई नदी के किनारे मुंशीगंज नामक स्थान पर बना हुआ यह स्मारक ही वो कारण है जिसने कांग्रेस को रायबरेली से हमेशा के लिए जोड़ दिया है। इलाहाबाद में स्थित मोतीलाल नेहरू के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब ये समाचार प्राप्त हुआ कि रायबरेली के मुंशीगंज में सई नदी के किनारे अमूल शर्मा एवं प्रतापगढ़ के बाबा जानकी दास के नेतृत्व में सैकड़ों किसान ब्रिटिश शासन द्वारा लिए जा रहे अवैध कर एवं अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थिति कभी भी अनियंत्रित हो सकती है, तब आनंद फानन में रेलगाड़ी के माध्यम से वो रायबरेली पहुँचे। 7 अगस्त 1921 को स्टेशन से उतरते ही अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें कचहरी पर ही रोक दिया। उधर सई नदी के किनारे निहत्थे किसानों पर बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गईं। माना जाता है कि लगभग 700 किसान इस गोलीकांड में वीरगति को प्राप्त हुए। उनके शरीर से निकलते हुए रक्त से सई नदी का मटमैला पानी भी लाल पड़ गया। जिस पुल पर किसानों को गोली लगी थी उसे तोड़ दिया गया। स्थानीय लोग आज भी इसे टूटा पुल के नाम से जानते हैं। सई नदी को पार करने के लिए लोहे के सेतु का निर्माण किया गया है। नदी के उस पार किसान शहीद स्मारक, भारत माता मंदिर एवं भारत माता की प्रतिमा देखने के लिए लोग यहां पर आते हैं। लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल बोटैनिकल गार्डन को 1986 में स्थापित किया गया था। 57 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला ये सई नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इस बगीचे का निर्माण मात्र फूलों, फलों एवं सब्जियों को उगाना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, वनस्पतियों पर शोध करने वाले विद्यार्थियों और विशेष पौधों के बारे में जिज्ञासु लोगों के लिए एवं शैक्षणिक संस्थान के रूप में पारिस्थितिक संतुलन को दर्शाने के लिए किया गया था। यहाँ पर घूमने के लिए मात्र 5 रुपये का प्रति पर्सन टिकट लेना होता है। इसके बाद हम आपको लेके चले हैं बेहटा जल सेतु, जो कि रायबरेली जिले के सिविल लाइन चौराहे से करीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर परसदेपुर मार्ग पर बना हुआ है। 12,368 किलोमीटर में फैली उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सारधा नहर एवं सई नदी के आपसी टकराव से निर्मित अदिति बेहटा जल सेतु का निर्माण हुआ है। इस जगह की खास बात यह है कि सई नदी के ऊपर से सारधा नहर का पानी पास होता है।
इसके बाद दोस्तों रायबरेली जिले में ही बना हुआ है रेवती राम का तालाब। अगर हम रायबरेली जिले के धार्मिक स्थलों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है श्री आस्तिक स्वामी मंदिर लालूपुर का। लखनऊ इलाहाबाद राजमार्ग से यहाँ की दूरी 4 किलोमीटर है और ये रायबरेली जिले का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, श्री आस्तिक देव स्वामी मंदिर। उम्मीद करते हैं कि आपको रायबरेली की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके।